हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकबुक की बैटरी हेल्थ के बारे में। सो बेसिकली हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैसे बैटरी हेल्थ चेक करती है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एप्पल लोगो पे भी जा सके, सिस्टम प्रेफरेंस से भी चेक कर सकते हैं, या सिस्टम प्रेफरेंस नीचे डॉक में भी आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे आफ्टर दैट यहाँ बैटरी पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे नीचे बैटरी पे बैटरी हेल्थ पे आप लिखा, बैटरी हेल्थ पे क्लिक करके आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी 100 पे चल रही है मेरी, और बैटरी बैटरी कंडीशन नॉर्मल है। सो आपकी कौन सी मैकबुक है, आप लोग कैसे जानेंगे कितने साइकिल आपकी मैकबुक मैक्सिमम पे चलती है। सो हम लोग वहीं से देख लेते हैं। वन सेकेंड, यहाँ पे जाके टर्न मोर। सो यहाँ पे हम लोग, यदि आपकी 1 ईयर वारंटी के अंदर 80% से नीचे कैपेसिटी जाती है, आप एप्पल की स्टोर पे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। रिप्लेस भी हो सकती है, मैकबुक आपकी खुद रिप्लेस हो जाएगी कोई ज़्यादा डैमेज हो, या आपकी बैटरी रिप्लेस हो जाएगी। सो मैक्सिमम काउंट कितनी होती है, मैक्सिमम साइकिल काउंट कितनी होती है आपकी मैकबुक। सो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मैकबुक कौन सी है। सो यहाँ पे मेरी मैकबुक मैकबुक ये है M1 2020 वाली है। सो मेरा मैक्सिमम साइकिल काउंट 1000 है। सो 1000 कहाँ से चेक कर सकते, कितनी साइकिल काउंट हो चुकी है। सो सबसे उसके लिए आपको, उसके लिए हम लोग को एप्पल पे जाके अबाउट दिस मैक, सो यहाँ पे सिस्टम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। सिस्टम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपको हार्डवेयर में पावर पे क्लिक करना होगा। यदि हार्डवेयर पे काउंट पावर पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सो साइकिल काउंट 8 हुई है मेरी, साइकिल कंडीशन नॉर्मल, मैक्सिमम कैपेसिटी 100 है। सो यदि आपकी मैक्सिमम साइकिल काउंट 1000 हो गई तो 100% से कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो साइकिल काउंट आपको 1000 देखना होगा कब तक चलेगी नॉर्मल यूज पे। सो उसके बाद आप बैटरी कैपेसिटी थोड़ा सा 80% उससे कम हो जाएगी, उसके बाद आपको बैटरी अपना मैकबुक के रिप्लेस कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।